लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जिला प्रशासन पौड़ी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी के मद्देनजर लोकसभा चुनाव के दौरान वाहन की पर्याप्त व्यवस्था करने में परिवहन विभाग लग गया। संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारिका प्रसाद ने बताया कि पुलिस और इलेक्शन के लिए वाहनों की डिमांड मिल चुकी है। इसके साथ ही सेक्टर, जोनल मजिस्ट्रेट और सर्विलांस की टीमों के लिए भी पर्याप्त वाहनों की डिमांड परिवहन विभाग को मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि जनपद में 850 वाहनों की डिमांड जिला प्रशासन द्वारा परिवहन विभाग से की गई, जिसमें से 25% वाहनों को विभाग की ओर से हायर किया गया। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग पर्याप्त संख्या में वाहनों को अधिग्रहण करने में लगा है। इसके साथ ही सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट के लिए अभी तक परिवहन विभाग ने 110 वाहन उपलब्ध करा दिए, जिससे चुनाव सामग्री को आसानी से लाया जा सकेगा। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। जो अभी 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है, उसमें हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट है टोटल पुलिस की भी और इलेक्शन के लिए भी, हमारे सेक्टर, जोनल, जितनी भी हमारी जो है टीमें लगी हुई, सर्विलांस की टीमें लगी, तो ये करीब 850 गाड़ियों की डिमांड है हमारी, और हम उसमें 20% रिजर्व भी उसमें रखेंगे। तो गाड़ियाँ हमारी मैक्सिमम गाड़ियों की हमने तैयारी कर ली है, और अभी तक हम लोगों ने जो सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट को है और जो अन्य भी इलेक्शन सामग्री को लाने ले जाने के लिए 110 गाड़ियों को हमने रिक्विजिट कर दी।